नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो देश और विदेश में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पंजाब के दौरे के दौरान हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो चूक हुई है। दोस्तों, इसी दौरान फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल ने सतलुज नदी से एक पाकिस्तानी नाव बरामद की है और जब इसे बरामद किया गया तो ये नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये नाव यहाँ कब और कैसे आई, कौन लोग इसमें सवार थे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, जिस समय ये उनका काफिला वहीं था और वहीं ये नाव भी थी। अब इसमें कौन हो सकता है, ये अपने आप में बहुत जांच के विषय है। और वहीं पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो मामला है वो उठाया है, उस पर बहस हुई है। और पीएम ने बुधवार को अपनी पंजाब में होने वाली रैली स्थगित कर दी थी क्योंकि सड़क ब्लॉक थी उस समय और उनका काफिला काफी देर तक फ्लाईओवर पे ही फंसा रहा। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने कमेटी बनाई है, क्यों ना दोनों को जांच करने दी जाए। इस पर एसजी ने कहा कि केंद्र सरकार की कमेटी सिर्फ सुरक्षा में चूक की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर के हम काफी गंभीर हैं, राज्य और केंद्र अपनी कमेटी खुद पे विचार करें। ये सुनवाई चीफ जस्टिस एनबी रमन्ना की पीठ कर रही है जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली शामिल हैं। कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा कि उसी दिन घटना के कुछ ही घंटों के अंदर जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था और पंजाब सरकार की तरफ से ये भी कहा गया था कि जब केंद्र हमारी बनाई गई जांच समिति पे सवाल उठा रही है तो हमें भी केंद्र की समिति में आपत्ति है। पंजाब के एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने ये कहा है कि हमने घटना के फौरन बाद एफआईआर भी दर्ज की, जांच कमेटी बना दी, फिर भी हमारी नियत पे केंद्र सरकार सवाल उठा रहा है। दोनों ही चीजें बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की भी चर्चा हुई है। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने ये कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक में जिस समय राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेदारी थी उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकी। ये भी कहा गया कि जांच में एनआईए का होना भी जरूरी है और ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में है तो वो जांच का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और इससे पहले याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में ये कहा कि मामले की गंभीरता को समझते हुए पीएम दौरे से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट को एनआईए की मदद से जब्त करने की छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सबूतों को सुरक्षित करके ही जांच होनी चाहिए। ये कोर्ट से गुजारिश की है कि जांच उनकी निगरानी में हो। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और एक लाइक तो बनता ही है। फिर मिलती हूँ आपको किसी और स्टोरी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।